इस वीडियो में देखेंगे सोहना आईएमटी में किस तरीके से कार्य को किया जा रहा है। एटीएल जी हाँ, जो जापान के लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो सेटअप हो रही है 180 एकड़ में तकरीबन, तो यहाँ पे जो बनने वाला मोबाइल से लेकर के बस ट्रक का जो लिथियम बैटरी है ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा, और साथ में ईएमसी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो बन रहा है वहाँ पे अर्थ लेवल का कार्य शुरू हो चुका है। देखेंगे कि नया कार्य ऐड किया गया है। सोहना आईएमटी में ही 500 एकड़ आरक्षित किया गया है ईएमसी के लिए, जिसमें एटीएल है और ईएमसी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। हेलो दोस्तों, मैं बीके से स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। लेकर आ गया हूं सोहना आईएमटी के अपडेट दे रहा हूं आपको। स्वागत है एचएसआईआरडीसी के साइट पे। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड आपको दिखाते हैं जो किस तरीके से कार्य को किया जा रहा है आईएमटी सोहना में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बने रहें वीडियो के साथ। यहाँ के प्रमुख कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू दिल्ली से मुंबई के लिए रोड बनाया जा रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट को ओपन कर दिया गया है और ये फ्यूचर में जेवर एयरपोर्ट से भी कनेक्ट हो रहा है। और ये जो लोकेशन है NH-248 है। सामने देखेंगे HSIDC का ऑफिशियल बोर्ड दर्शाया गया है और यहाँ पे ATL का लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तकरीबन 180 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। अभी जो मैं उपस्थित हूँ ये है NH-248 जो हाल ही में बनाया गया है। सोहना एलिवेटेड रोड सोहना तक आपको मिल जाएगा और उसके आगे कनेक्टिविटी आपको यह मिल जाता है KMP तक आने के लिए। सामने है KMP एक्सप्रेस वे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। इस रोड के माध्यम से आप जा सकते हैं आप खलीलपुर गांव, जहां पे इंटरचेंज पॉइंट बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का। फाइनली आप दिल्ली का DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ या जेवर एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट निर्माणाधीन है वहां पे जाना चाहते हैं तो उस रोड से कनेक्ट हो सकते हैं और मुंबई के लिए तो जा ही सकते हैं। तो अभी IMT सोहना की तरफ, ये रहा IMT सोहना। लेफ्ट हैंड में जो देख रहे हैं वो पूरा एरिया IMT सोहना और EMC कहाँ पे जो कार्य चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का, और जो भाग है कहाँ पे हो रहा है। तो आइए वीडियो के साथ बने रहे। ये जो अर्थ लेवल का कार्य दिखाई दे रहा ये ईएमसी के लिए बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ध्यान रहे ATL जो है वहाँ पे बन रहा और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का जो यहाँ पे अर्थ लेवल का कार्य शुरू कर दिया गया है। ये बीते 5 दिन में इतने सारे कार्य हुआ है और वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। कितना कार्य हो चुका है आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे, तो बने रहें वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।
और यह जो पार्ट देखें EMC इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का, यह ज़मीन जो है आरक्षित है जिस पे कार्य कर रही है टीम। और आगे चलेंगे आपको ATL के साइट पे ले चलेंगे, ATL कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे डेवलप कर दिया है वो आप देखेंगे। और देखेंगे सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये पूरा ATL का साइट होने वाला है। तो आइए वीडियो के साथ बने रहे, चलते हैं साइट पे। ATL द्वारा गुरुग्राम शहर के नज़दीक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT सोहना में 550 करोड़ रुपए की कीमत पर 180 एकड़ ज़मीन खरीद चालू वर्ष के सबसे बड़े भूमि सौदों में से एक है, जो महज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से 46 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि ATL देश में तेज़ी से बढ़ते स्मार्टफोन, दोपहिया, तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के बैटरी की आपूर्ति करने के लिए अगले कुछ वर्षों में भारत में 7000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना बनाई है। यह ATL कंपनी, ATL कंपनी जापान की कंपनी है जो IMT सोहना में 180 एकड़ में लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरे सेटअप कर रही है। देखेंगे हमारे लेफ्ट हैंड में चलते हैं इनके एंट्री पॉइंट, जो HSIDC के एंट्री गेट है वहाँ से एंटर करते हैं और पूरा बैक साइड तक दिखाते हैं। सामने देखेंगे जो HSIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनका जो गेट है देखेंगे, और HSIDC की ऑफिशियल यहाँ पे ऑफिस भी स्थापित कर दिया गया है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। तो चलते हैं लास्ट तक आपको दिखाते हैं। HSIDC का ऑफिस मिल जाएगा ऑन साइट, और जो IMT सोहना में ही बना है आप देख पा रहे होंगे। और इसके साथ में जो ATL जो कंपनी है, जो 180 एकड़ के तकरीबन जो एरिया है जहाँ पे मैं तो शुरुआती में दिखाया कितना फ्लोरिंग का इनका कार्य हो चुका है फाइनल, और कुछ पार्ट पे अर्थ लेवल का, कुछ पे फ्लोरिंग का, बेसमेंट का, ये सारे जो है ये कार्य हो रखा है। तो ये देखेंगे ये सामने जो है वहाँ तक, वो जो एरिया देखेंगे वहाँ तक ये पूरा ATL का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपका ये पूरा आगे तक देख पा रहे होंगे। और इसके साथ में इसी अरावली में WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ से क्रॉस कर रहा है, आप इस साइड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये पूरा अर्थ लेवल का कार्य किया जा रहा है, फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, सामने आपका हो रखा है जितना सारे देख रहे होंगे ये कार्य, यो ATL का कार्य है। तो अभी के लिए बस इतना ही, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और हाँ, हरियाणा सरकार KMP के 135 किलोमीटर भाग पे 5 नया सिटी बसाने की योजना बना रही है पंचग्राम के नाम से, और यहाँ पे हर एक सिटी के लिए तकरीबन 50,000 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण किया जाएगा। KMP के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर के एरिया अधिग्रहण किया जाएगा, और उस सिटी में हर एक तरीके के बुनियादी ढांचा होगा यहाँ पे अधिग्रहण करेगी सरकार। और यहाँ पे IMT सोहना जो 2031 के तहत विकसित किया जा रहा है, जो मास्टर प्लान 2031 के तहत साउथ गुड़गांव का प्लान है, तो इसको और सोहना IMT तो बनी रहा, इसके साथ में जो मैंने बताया नया सिटी का प्लान कर रही है HSIDC से KMP के पे 5 नया सिटी, तो उसको 2 किलोमीटर के एरिया अगर छोड़ करके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका बेस्ट रिटर्न देने वाला है, क्योंकि न्यू सिटी के आसपास आपका आसियाना होगा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, सोना में बेस्ट रहेगा आने वाले समय पे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, WDFC है, आने वाले समय में आपको मेट्रो का भी प्रोजेक्ट आ सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।